रूपा जी, हमने सोयाबीन को इंटरनेशनल मार्केट में यूएस सोयाबीन वायदे की बात करें अगर, तो $1600 की रेंज में जाते हुए और ट्रेड करते हुए देखा था काफ़ी समय से। यूएस सोयाबीन $1600 की दायरे में ही ट्रेड करती नज़र आ रही थी, लेकिन अब देख रहे हैं कि यूएस सोयाबीन अब $1700 के ऊपर निकल चुकी है और 1720 से 1730 की रेंज में ट्रेड कर रही है। ऐसे में आपको क्या लगता है, ये जो सोयाबीन में अचानक से उछाल आया है, तो क्या इसका कुछ पॉजिटिव असर भारत की में भी सोयाबीन की कीमतों पर देखने को मिल सकता है, या फिर आगे जो बुआई का सीजन है तब सोयाबीन की कीमतें घट जाएंगी? देखिए, अभी के लिए जो है बाजार पॉजिटिव ही लग रहे हैं और बाजारों में तेजी बनी रह सकती है। जिस तरीके से विदेशी बाजारों में भी एक बार उठाव देखने को मिला है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भी सोया में तेजी बनी रह सकती है। हमने कल भी देखा था कि थोड़ा सा, अगर आज सुबह भी देखें तो हम जो क्लोजिंग हुई है सीबोर्ड के ऊपर भी सोया ऑयल में हल्की तेजी के साथ बाजार ट्रेड करते हुए दिखाई दिए हैं। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, कोई बहुत ज्यादा फिलहाल गिरावट बढ़ती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जी,